राजमा बनाने के लिए राजमा को एक बार पानी से धोएं और पानी से धोने के बाद हम इसे एक बर्तन में डालेंगे जिसके अंदर हम काफ़ी सारा पानी डालकर इसे ओवरनाइट सोक होने के लिए रखेंगे। और अब हम इसके ऊपर ढक्कन लगाएंगे और ढक्कन में थोड़ा सा गैप छोड़ दें। नेक्स्ट डे राजमा स्वेल होकर तैयार हो गई है और अब हम इसे ट्रांसफर करेंगे एक प्रेशर कुकर में। आप चाहें तो आप थोड़ा और पानी इसमें डाल सकते हैं अगर आपको लगे, और नमक डालकर इसको 6 से 8 विसल लगने तक मीडियम आंच पर पकाएं। 6 से 8 विसल के बाद राजमा उबलकर तैयार है और अब हम देखेंगे कि इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, और सभी की क्वांटिटी मैंने इंग्रेडिएंट लिस्ट में बता दी है। हमें चाहिए टमाटर, कटा हुआ प्याज, जिंजर गार्लिक पेस्ट, ग्रीन चिलीज, थोड़ा सा बटर, सूखी हुई लाल मिर्च, कोरिएंडर पाउडर, रेड चिली पाउडर, गरम मसाला, टर्मरिक पाउडर और सॉल्ट और थोड़ा सा ऑयल। यहाँ मैंने 2 चम्मच ऑयल लिया है। थोड़ा सा गर्म होने पर मैं इसके अंदर बटर डाल रही हूँ। ऑयल के साथ बटर डालने से बटर जलता नहीं है, इसीलिए ऑयल मैंने पहले डाला है। और जैसे ही ये थोड़ा सा गर्म हुआ है तो मैंने इसमें सूखी हुई रेड चिलीज डाल दी हैं। उसे हल्का सा 20 सेकंड तक रोस्ट करें, जलाएं नहीं। उसके बाद हम इसमें ग्रीन चिलीज डाल रहे हैं। फिर हम इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट को अच्छे से रोस्ट करें लगभग 20 सेकंड तक। एक बार वो रॉ स्मेल चली जाए उसके बाद हम इसके अंदर प्याज डालेंगे। फ्लेम मेरा मीडियम आंच पर है। प्याज को अच्छे से मिक्स करें और कम से कम इसे 3 से 4 मिनट तक भूनें। प्याज भूनकर गोल्डन ब्राउन कलर की हो गई है और अब हम इसके अंदर डालेंगे टमाटर और एक बार इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे अपने ड्राई स्पाइसेस, कोरिएंडर पाउडर, रेड चिली पाउडर, गरम मसाला, टर्मरिक और सॉल्ट, और इसे अच्छे से मिक्स करें। मसाला भूनने के लिए मैंने गैस बिल्कुल धीमी कर दी है और बिना पानी डाले इसे अच्छे से पकाएं लगभग 7 से 9 मिनट तक। और एक बार मसाला तब पक कर तैयार हो गया तो हमारे पास जो उबले हुए राजमा हैं वो हम इसके अंदर डालेंगे और इस टाइम पर आंच तेज कर दें। अब हम इसे बॉईल करेंगे तेज आंच पर और अच्छे से मिक्स करें ताकि मसाला सारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। एक बार बॉईल आने पर हम गैस को बिल्कुल सिम कर देंगे और 20 मिनट तक इसे पकने देंगे और बीच बीच में चम्मच से हिलाते रहेंगे। 10 मिनट के बाद ग्रेवी थिक हो गई है। अगले 10 मिनट में हमारी राजमा बनकर तैयार हो जाएगी और फिर हम इसे सर्व करेंगे। एंजॉय कीजिए ये रेसिपी, और अगर आपको मेरा